अब मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पूरा जीवन भारतवर्ष के प्रति समर्पित रहा, चाहे आजादी के पहले का उनका कार्यकाल लेंगे, चाहे आजादी में बात करेंगे, देश की एकता, देश की अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए जो उनका योगदान रहा वो हमेशा अविस्मरणीय है। उनकी याद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना करने का जो संकल्प किया था आज पूरा हो रहा है, और हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रन फॉर यूनिटी के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में रामलीला मैदान से लेकर आज शास्त्री प्रतिमा तक आए हैं। हम लोगों ने शास्त्री जी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया, उसके पश्चात उनकी अखंडता, एकता और जो सुरक्षा का एक नारा था, एक स्वरूप था, उसको आम जनमानस के बीच प्रदर्शित करने का रखने का प्रयास किया, ताकि आम जनमानस उनके बताए गए रास्तों पर चलकर न सिर्फ अपना जीवन से लेकर सके बल्कि हमारे समाज और राष्ट्र का भी उत्थान हो सके। बीजेपी को जिस तरह से बीजेपी में इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की कार्यक्रम की योजनाएं बनाई जा रही हैं, क्या तक कांग्रेस में इसका जो है सम्मान मिल रहा था? देखिए, आप सबको पता है कि देश को आज़ादी 1947 में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कोई नकार नहीं सकता। एक समय निश्चित ही हो गया था कि भारत देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होने वाले, उसके बाद भी भारत रत्न उनको 1991 में दिया जाता है, वो भी देशवासियों के दबाव में, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। और ये सारी कहानी बयान करता है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से हमारे लोगों